name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. So, आज है मेरी कजिन की वेडिंग का फर्स्ट फंक्शन जो है एक पार्ट सेरेमनी जो काफी लंबी चलने वाली है. प्लस आज बारिश भी आ गई, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है. सो आई थॉट आई विल डू अ वेरी सिंपल बेस मेकअप जो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, हैवी फील नहीं होगा एंड समथिंग वेरी नेचुरल लुकिंग एज वेल. एज यू कैन सी एक्ने मार्क्स एंड ऑल है, तो मुझे थोड़ा सा मेकअप अच्छे से करना पड़ता ताकि स्किन अच्छे से एक इवन टोन लगे. सो आई थॉट वाई नॉट शेयर विद यू गाइज माई ईजी बेस मेकअप रूटीन फॉर एनी पार्टी और इवेंट्स यूजिंग मेबलिन फिट मी रेंज. मेबलिन फिट मी रेंज इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज जब मैंने कॉलेज में मेकअप करना शुरू किया था, आई रिमेंबर मैंने सबसे पहले मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन और कंसीलर लिया था बिकॉज दे आर लाइट ऑन स्किन फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लस दे आर लाइट ऑन पॉकेट एज वेल. सो अगर आप कुछ बजट में ढूंढ रहे हो ना जो आपके स्किन के लिए सेफ भी है, जो अच्छे से वर्क भी करेगा, आई थिंक दिस रेंज इज जस्ट परफेक्ट फॉर यू. सो आई टेक यू थ्रू स्टेप बाय स्टेप कि मैं कैसे इसको यूज करती हूँ, प्लस विल बी टेकिंग अ चैलेंज एज वेल. मैं पूरे दिन इसको देखने वाली हूँ कि बेस मेकअप मेरे ऊपर कैसा स्टे किया. आपको भी मैं लेकर चलूंगी फंक्शन के थ्रू के कैसा चल रहा है मेरी स्किन के ऊपर. एंड में देखेंगे कि ये स्टे करता है या फिर नहीं करता. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्टिंग द क्लीन स्किन, स्किन केयर मैंने पहले ही कर लिया था विच इज फेस वॉश मॉइस्चराइजर SPF. अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्रीसी हो रखी है या फिर ऑयल सिक्रीशन ज्यादा है, आई वुड से एक टोनर यूज करो. सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लो ताकि आपकी स्किन मेकअप करने से पहले बिल्कुल भी ऑयली ना हो. नाउ स्टेप नंबर वन इज टू यूज अ गुड प्राइमर. मुझे अभी भी इतनी लड़कियों के कॉमेंट्स और DMs आते हैं कि हमारा फाउंडेशन क्रैक होता है, हमारे फाउंडेशन से अभी पोर्स दिखते हैं, बहुत ज्यादा बड़े पोर्स दिखते हैं, जहां पर एक्ने बंपीनेस होती है वहां पर फाउंडेशन क्रैक होता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी यहाँ पर हार्मोनल इश्यूज की वजह से बम्स हैं बहुत ज्यादा, और यहाँ पर अगर मैं प्राइमर अच्छे से नहीं लगाऊंगी ना वहां से फाउंडेशन फिर मेरा क्रैक होता है. सो फॉर दैट आई पर्सनली ट्रस्ट द मेबलिन फिट मी मैट एंड पोलिश प्राइमर. इट इज फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, प्लस इसके अंदर SPF भी है, इसके अंदर SPF 20 है, तो आपको सन एक्सपोजर से भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करके चलता है. आई लव द क्रीमी टेक्सचर ऑफ दिस वन, मतलब एकदम मॉइस्चराइजर जैसा ही फील होता है, बट इट इज इंटेंसली मैटिफाइंग एज वेल. अच्छे से आपकी स्किन को मैट करके रखता है, शाइन को कंट्रोल करके रखता है लॉन्ग वेयर के लिए. बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए ना आपके मेकअप को एकदम लॉक कर देता है. लव द फिनिश ऑफ दिस वन, मतलब इसको लगाने के बाद स्किन मैट भी हो जाती है बट एक बहुत अच्छी नरिशमेंट फील होती है. सूखा सूखा या फिर ऐसा ही लगता है एकदम डेजर्ट जैसी मेरी स्किन हो गई जो काफी प्राइमर लगाने के बाद हो जाती है. इसके ऊपर जब मैं फाउंडेशन कंसीलर कुछ भी लगाऊंगी ना वो क्रैक नहीं होगा या फिर वो ऐसा फटाफटा ड्राई नहीं लगेगा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंसील ऑल द डार्क स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स, डार्क सर्कल्स एज वेल, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली इसके बाद फाउंडेशन यूज कर लेती हूँ ना तो मुझे वो ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना पड़ता है. सो आई पर्सनली प्रेफर कि मैं पहले स्पॉट कंसीलिंग कर लूँ, उसके बाद फाउंडेशन मैं कम क्वांटिटी में भी लेती हूँ तो एक अच्छी कवरेज मिलती है. दिस इज अ वेरी नाइस ट्रिक टू अचीव अ रियली नाइस एंड फ्लॉलेस बेस विच इज लॉन्ग लास्टिंग एंड लाइट एज वेल. सो फॉर कंसीलर आई विल बी यूजिंग द मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड 25 मीडियम. दिस इज द कंसीलर विद कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट. मेरा कॉलेज टाइम का फर्स्ट एवर जो कंसीलर था वो यही कंसीलर था. सो ये जो 25 मीडियम शेड है ना, ये डार्क स्पॉट्स को कंसील करने के लिए एकदम परफेक्ट है बिकॉज ये लाइट नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि वाइट वाइट पैची लगता है मेरी स्किन पे. सो व्हाट आई एम गोना डू, आई जस्ट डायरेक्टली यूज द वॉन्ड ऑफ दिस वन विच इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज. आई जस्ट डायरेक्टली डैब इट ऑन माय एक्ने मार्क, जहां जहां पर मुझे मार्क्स हैं, रेडनेस है, मैं पहले उसको कंसील करूंगी. लाइक आई हैव पिगमेंटेशन ओवर हेयर, तो मैं पिगमेंटेशन को कवर कर रही हूँ, देन माय डार्क सर्कल्स एज वेल. द ट्रिक इज टू यूज योर ब्लेंडर एंड जस्ट डैब इट इनटू योर स्किन, ज्यादा उसको रब नहीं करना अदरवाइज वो इधर उधर स्प्रेड हो जाएगा. हमें स्पॉट कंसीलिंग करनी है अभी अच्छे से. सो आई जस्ट डैब इट इनटू माय स्किन लाइक सो. आई अगेन लव द फिनिश ऑफ दिस वन. द होल फिट मी रेंज इज जस्ट परफेक्ट फॉर माय स्किन बिकॉज ऑयली है, बम्पी स्किन है, ज्यादा हैवी फील नहीं होता, केकी फील नहीं होता. आई हैव लॉट ऑफ कंसीलर्स जो एकदम केकअप हो जाते हैं, हैवी हैवी फील होते हैं, इसके साथ वो इशू नहीं है, विच आई पर्सनली लव. सो दिस फिट मी कंसीलर इज जस्ट परफेक्ट फॉर माई स्किन. मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन, आई विल बी यूजिंग द मेबलिन फिट मी मैट प्लस फोरलेस फाउंडेशन, अगेन माई फर्स्ट OG फेवरेट फाउंडेशन मेरे कॉलेज टाइम का. आई रिमेंबर तब पंप नहीं आता था, अब ये पैकेजिंग अपग्रेड हो गई है, पैकेजिंग से ज्यादा फॉर्मुलेशन भी अपग्रेड हो चुका है. सो इट हैज 16 आवर्स ऑफ ऑयल कंट्रोल क्लेम, प्लस इट हैज SPF 22 एज वेल. तो प्राइमर में भी SPF है, इसमें भी SPF है, तो एक अच्छा आपको सन प्रोटेक्शन मिल जाता है मेकअप से भी, विच इज अ गुड थिंग. जहां से सन प्रोटेक्शन मिले हमें ले लेनी चाहिए. सो दिस आर द पैकेजिंग लुक्स लाइक. आई हैव टू फाउंडेशन शेड्स विद मी. नंबर वन इज 115. सो दिस इज हाउ 115 लुक्स लाइक. आई जस्ट स्वॉच इट फॉर यू गाइज. इट्स लाइक अ लाइटर ऑन स्किन. ये हल्का सा लाइट है मेरी स्किन के लिए. मैंने खाली देखने के लिए मंगाया था कि शेड रेंज बेसिकली कैसे सूट करती है मुझे. नेक्स्ट अप आई हैव द शेड 125 विच इज काइंड अ क्लोज मैच टू माई स्किन. सो आई जस्ट स्वॉच 125 फॉर यू. सो दिस इज हाउ 125 लुक्स लाइक ऑन माई स्किन एंड यू कैन सी द स्वॉच ऑफ बोथ. आई लव द फैक्ट दिस फाउंडेशन फिट्स मी एज आई एम बिकॉज इट जस्ट ब्लेंड्स इनटू योर स्किन लाइक अ ड्रीम. इसके शेड्स काफी अच्छे ना, दे आर अवेलेबल इन 18 शेड. सो आपको कोई ना कोई अपना परफेक्ट स्किन का एकदम क्लोज शेड मिल ही जाएगा इजिली. यू कैन डेफिनेटली चेक ऑनलाइन फॉर ऑल द शेड स्वॉचेज एंड ऑल. सो मैं यूज करने वाली हूँ शेड नंबर 125 ऑन माई स्किन.
स्किन बिकॉज ये मेरी स्किन के लिए एकदम परफेक्टली सूट होता है. सो हाउ आई यूज इट, सबसे पहले मैं अपने हैंड्स पर इसको लेती हूँ, अच्छे से ब्लेंड करती हूँ सो दैट एक वार्म अप हो जाए हैंड्स पर. उसके बाद मैं डॉट डॉट करती हूँ अपने पूरे फेस पर. मैं ब्रश से या फिर ब्लेंडर से डायरेक्टली पिकअप नहीं करती बिकॉज उससे क्या होता है ब्लेंडर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन सोक कर लेता है, आपका फाउंडेशन वेस्ट जाता है. ब्रश से अगर आप पिकअप करते हो तो स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं हाथ से ही उसको डॉट डॉट करके पहले फेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हूँ. उसके बाद कोई भी ब्रश या फिर ब्लेंडर की मदद से उसको ब्लेंड करती हूँ सो दैट मेकअप एकदम लॉक हो जाए आपकी स्किन पे, नेचुरल फिनिश आए. जो भी एक्सेस होता है वो ब्लेंडर तो ऑब्वियसली सोकअप कर ही लेता है, बट ऐसे डैबिंग मोशन से ना एक बहुत अच्छी नेचुरल फिनिश आती है. सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक ऑन माय स्किन, लिटरली फिट्स मी एज आई एम. बिल्कुल भी हैवी ग्रीसी फील नहीं हो रहा, ऐसा नहीं लग रहा मैंने कुछ बहुत ज़्यादा हैवी लगा लिया अपनी स्किन पर. द बेस्ट पार्ट इज इसका टेक्स्चर काफ़ी लाइट है ना, प्लस ये नॉन कॉमेडोजेनिक भी है. ये फॉर्मुला आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, ज़्यादा स्किन को ऑयली नहीं बनाएगा ओवर द टाइम, सो एक्ने स्किन वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है. लेट्स लॉक एवरीथिंग टुगेदर. ये लास्ट स्टेप भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज टू यूज अ गुड कॉम्पैक्ट सो दैट ओवर द टाइम आपकी स्किन ग्रीसी ऑयली ना हो और आपका मेकअप एकदम सेट रहे आपके फेस पर. आई बी यूजिंग द मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन कॉम्पैक्ट. आई एम यूजिंग द शेड 130 बफ बेज बिकॉज हल्का सा एक लाइटर शेड यूज करती हूँ ना तो मेरी अंडर आइज भी हाईलाइट हो जाती है. आई लव द पैकेजिंग ऑफ दिस वन, लाइक लुक एट दिस. सो यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट मिलता है एंड सेपरेटली यू गेट अ फुल साइज मिरर. यहाँ पे फुल साइज मिरर है विच इज जस्ट परफेक्ट, आप टचअप भी कर सकते हो, अपने बैग में रख सकते हो, अच्छा बड़ा मिरर है. एंड वी हैव सेपरेट स्पंज, स्पंज भी काफी अच्छा है, वो फ्लिमजी वाला पतला स्पंज नहीं है, इट्स लाइक अ प्रॉपर मेकअप वाला स्पंज. एंड अलग से स्पंज रखा रहता है ना तो कंटेमिनेशन नहीं होती. मैं हमेशा कहती हूँ एक्ने स्किन है ना तो ऐसे कॉम्पैक्ट लिया करो जिसमें स्पंज आपके कॉम्पैक्ट के साथ ना हो सो दैट कंटेमिनेशन या फिर बैक्टीरिया ट्रांसफर ना हो. सो हाउ टू यूज दिस, यू जस्ट टेक अ स्पंज, थोड़ा सा डैप कर लो अपने कॉम्पैक्ट के ऊपर. आई लव द फैक्ट इसके कॉम्पैक्ट का किक बैक नहीं आता, बिल्कुल भी ऐसे एक्सेसिव वो पाउडर गिरता नहीं है, सो काफी अच्छा इसका फॉर्मुलेशन है. एंड देन यू कैन जस्ट डैब इट इनटू योर स्किन. आई लव द इंस्टेंट ब्लरिंग इफेक्ट और 12 आवर्स के लिए आपके मेकअप को सेट करके रखता है, पोरलेस फिनिश देता है. इट हैज पर्लाइट मिनरल टेक्नोलॉजी जो एब्जॉर्ब करके रखता है ऑयल को ताकि आपको एक लॉन्ग लास्टिंग शाइन कंट्रोल फॉर्मूला मिले. अगेन इट जस्ट फिट्स मी एज आई एम. इसमें भी काफी सारे शेड्स मिलते हैं तो आप अपनी शेड के हिसाब से भी पिकअप कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो फॉर द होल डे. दिस वॉज माई ईजी पीजी मेबलिन फिट मी रेजीम. मैंने पूरा बेस मेकअप कर लिया, आई एम लेफ्ट विद लिटिल बिट ऑफ आई शेडो, लिपस्टिक एंड ब्लश. ज्यादा हैवी नहीं करना, फटाफट से मैं रेडी होने वाली हूँ बिकॉज एक घंटा बचा है, तैयार होकर निकलना भी है. पार्टी में आपको लेके चलूंगी जो वहां पे पार्ट सेरेमनी उसके बाद खाना होगा, काफी लंबा वो इवेंट चलने वाला है. सो जरा देखते हैं कि ये स्टे करता है नहीं करता, मेरी ऑयली स्किन होती है ग्रीसी होती है फिर नहीं. सो आई कीप अ चेक विद यू, मैं आपको दिखाती रहूंगी एंड लास्ट में हम बाद में देखेंगे कि कितने अच्छे से स्टे किया मेरी स्किन पर. सो आई जस्ट सी यू इन अ बिट, बाय बाय. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर एंड आई एम रेडी, दिस ऑल माई बेस लुक्स लाइक. मैंने बेस मेकअप करने के बाद ना थोड़ा सा ब्रेक लिया था, आई हैड माई मिल्क मूसली एंड ऑल. उसके बाद मैंने आइस करी, आइस को मैंने थोड़ा सिंपल रखा है, लाइनर मैंने अच्छा लगा लिया एंड नाइस रेड लिपस्टिक. ऐसे इंडियन फंक्शन में ना ऐसी लिपस्टिक अच्छी लगती है. सो लेट्स सी फंक्शन में मेकअप कितना स्टे करता है, आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट इट. 2 hours later. Moments later. I'm back home and this is how the base looks like. वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी प्लस आज बारिश हुई, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी. सो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो जो स्किन से ऑयल निकलता है वो निकला है एंड मैंने टचअप नहीं किया. मैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट लेके गई थी लेकिन मुझे टचअप करने का टाइम नहीं मिला. सो दिस मेकअप इज लिटरली लाइक नो टचअप मेकअप आफ्टर 6 hours, यू कैन से. जो थोड़ा सा गर्मी की वजह से ऑयल सिक्रीशन होना था वो हुआ है बट माई बेस इज स्टिल इंटैक्ट. मतलब बेस एकदम बढ़िया लग रहा है, नथिंग हैज लाइक बल्ज या फिर कुछ हिला हो. मेरे एक्ने मार्क्स अभी भी बिल्कुल भी विजिबल नहीं है एंड यू कैन सी आई एम स्वेटिंग एज वेल, लेकिन बेस एकदम इंटैक्ट है. सो डेफिनेटली मेबलिन फिट्स मी एज आई एम. शेड रेंज बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आपको अपने शेड में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. इन सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्राइमर के, कंसीलर के, फाउंडेशन के. यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द होल रेंज विद योर शेड एज वेल. आप इजिली अपने शेड्स भी देख सकते हो जो आपके स्किन टोन के क्लोज हो. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.